Hello students, welcome to MCAT. So students, in this video we are going to solve chapter number 4. So students, you have to simply open your notebook and start writing. सबसे पहले heading डाल लीजिए chapter number 4, be clean and stay healthy. Be clean and stay healthy. Okay students, so now we will answer the questions for this chapter. Our first question is, देखिए एक्सप्लेनेशन टाइप है. फर्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू है या फॉल्स है वो देखना है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, यानी हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए. सो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल हमें धोने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड वन देखिए, वी शुड कीप, ओके स्टूडेंट्स, we should keep only our home clean. Keeping the public places clean is not our responsibility. यानी हमें only अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, public places यानी सार्वजनिक स्थान जो है वो हमारी responsibility नहीं है. So students, ये false statement है. यानी public places भी हमारी responsibility है कि मान लीजिए हम किसी bus stand जाते हैं या station जाते हैं, railway station जाते हैं, तो हमें वहाँ पर या कोई भी किसी भी public place पर जाते हैं या hospital जाते हैं, तो हमें उस प्लेस को क्लीन रखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, हमें जो है वहाँ पर गार्बेज कचरा नहीं फैलाना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि पब्लिक प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती है. होम और पब्लिक प्लेस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे, यानी हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, तो ये बिल्कुल ट्रू है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस कीप्स अस हेल्दी, यानी जो क्लीनलीनेस है यानी जो साफ़ सफाई है, कीप्स अस हेल्दी यानी हमें स्वस्थ रखती है. सो स्टूडेंट्स, ये भी एक ट्रू सेंटेंस है. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ आर सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको ब्लैंक्स में फिल करना है. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज मैनी डैश आर कोज्ड बाई जर्म्स. जर्म्स की वजह से क्या होते हैं, मैनी डैश आर कोज्ड बाई जर्म्स. सो स्टूडेंट्स, यू विल फील हियर मैनी डिजीज. मैनी डिजीज यानी बहुत सारी बीमारियाँ. मैनी डिजीज आर कोज्ड बाई जर्म्स यानी बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो जर्म्स से होती हैं. नाउ सेकेंड इज वी शुड वॉश आर हैंड्स विद डैश. हमें अपने हाथों को किससे धोना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, यू विल फील हियर वी शुड वॉश आर हैंड्स विद सॉप. हमें सॉप के साथ, साबुन के साथ अपने हाथ धोने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन इज ऑल अबाउट डैश. यानी पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत सफाई. पर्सनल हाइजीन इज ऑल अबाउट डैश यानी व्यक्तिगत सफाई का मतलब क्या है. सो स्टूडेंट्स, यू विल फील हियर पर्सनल हाइजीन इज ऑल अबाउट कीपिंग आर सेल्फ क्लीन. यानी अपने आप को साफ सुथरा रखना ही क्या है, पर्सनल हाइजीन है. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज देर आर मिलियन ऑफ डैश इन डर्ट सॉइल एंड शिट. डर्ट सॉइल एंड शिट यानी कचरे में, धूल में, मिट्टी में क्या होते हैं, देर आर मिलियन ऑफ जर्म्स. सो यू विल फील हियर जर्म्स. देर आर मिलियन ऑफ जर्म्स इन डर्ट सॉइल एंड शिट. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज आर सेकेंड क्वेश्चन. नाउ आर थर्ड क्वेश्चन इज हैव ए लुक ऑन द गिवन पिक्चर, टू विच एक्टिविटी वुड यू एसोसिएट दिस पिक्चर. सो एक पिक्चर देखिए, आप पिक्चर आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर. सो स्टूडेंट्स, एक कदम स्वच्छता की ओर तो ये लोगो है किसका, क्लीनलीनेस कैंपेन का, है ना, क्लीन इंडिया मिशन यानी स्वच्छ भारत अभियान जो है उसका ये लोगो है. सो स्टूडेंट्स, इसको हम किससे एसोसिएट करेंगे, किससे जोड़ेंगे, देखिए ऑप्शंस, पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति के साथ, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, क्लीन इंडिया मिशन यानी स्वच्छ भारत अभियान के साथ, या प्लांट मोर ट्रीज यानी पेड़ लगाओ के साथ. यानी तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लीन इंडिया मिशन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, यू विल टेक क्लीन इंडिया मिशन. ये किसका लोगो है, क्लीन इंडिया मिशन का लोगो है. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Answer the following questions. Answer the following questions. Our first question is write the meaning of personal hygiene. यानी personal hygiene, व्यक्तिगत सफाई से आप क्या समझते हैं? So you will answer the act of taking care of our health by keeping ourselves clean is called personal hygiene. Means a student, the act of taking care of our health, यानी हमारी खुद की health का ध्यान रखना by keeping ourselves clean, अपने आप को साफ सुथरा रखकर is called personal hygiene. ही क्या कहलाता है? Personal hygiene कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज गिव ओनली फोर टिप्स ऑफ पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन के लिए फोर टिप्स यू हैव टू राइट हियर. फोर टिप्स फॉर पर्सनल हाइजीन, यानी फोर पॉइंट्स आपको नोट करने हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज नेवर गो फॉर डिफेक्शन इन ओपन. यानी ओपन में आप जो है डिफेक्शन के लिए नहीं जाइए. ओपन में आप डिफेक्शन के लिए, मल त्याग के लिए नहीं जाइए. मीन्स आप जैसे कहते हो कि फ्रेश होने के लिए हमें ओपन में नहीं जाना चाहिए. नेवर गो फॉर डिफेक्शन इन ओपन. यूज़ अ क्लीन टॉयलेट. साफ़ सुथरे टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए. आफ्टर डिफेक्शन वॉश योर हैंड्स विथ सॉप. सॉप यानी साबुन से अपने हाथ धोने चाहिए डिफेक्शन के बाद. डिफेक्शन मतलब आप समझ सकते हो मल त्याग, या आपको जो है डिफेक्शन के बाद यानी टॉयलेट यूज़ करने के बाद. ओके स्टूडेंट्स, बिफोर टचिंग एंड ईटिंग फूड वॉश योर हैंड्स. यानी खाना खाने से पहले या फिर खाने को टच करने से पहले अपने हाथ धोइए. ट्रिम योर नेल्स एंड हेयर रेगुलरली. यानी जो नियमित रूप से आपके बाल और हाथ जो नाखून जो है हाथों के, नेल्स जो हैं आपके, उनको ट्रिम करना चाहिए, काटना चाहिए. ट्रिम योर नेल्स एंड हेयर रेगुलरली. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज सेकेंड पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. नाउ थर्ड पार्ट इज वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस. यानी जो क्लीनलीनेस है, क्लीनलीनेस मतलब जो साफ सफाई है उसका, यानी क्लीनलीनेस का मतलब आप समझ सकते हो स्वच्छता. ओके, स्वच्छता की क्या इंपॉर्टेंस है. सो स्टूडेंट्स, यू विल राइट हियर मेनी डिजीज आर कॉज्ड बाय जर्म्स. हम जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां किसकी वजह से होती हैं? जर्म्स की वजह से होती हैं. व्हेन दीज जर्म्स एंटर आवर बॉडी, जब वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, दे कैन मेक अस सिक. वो हमें बीमार बना सकते हैं. देयरफॉर क्लीनलीनेस मीन्स कीपिंग आर सेल्फ अवे फ्रॉम जर्म्स. और क्लीनलीनेस का मतलब क्या है कि जर्म से अपने आप को दूर रखना. दस क्लीनलीनेस इज इम्पॉर्टेंट. और इसीलिए क्लीनलीनेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि जर्म्स हमें बीमार बना देते हैं और जर्म से हमें दूर रहना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फोर्थ पार्ट इज राइट द स्टेप्स नीडेड इन वॉशिंग योर हैंड्स विथ सोप. यानी साबुन से जब आप हाथ धोते हो तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए. सो स्टूडेंट, सिंपली जब भी आप हैंड वॉश करते हो तो आपको कुछ इस टाइप से स्टेप्स जो हैं फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट स्टेप इज वेट योर हैंड्स विथ क्लीन वाटर. यानी साफ पानी से पहले तो अपने हाथ को भिगो लीजिए. अप्लाई सॉप एंड रब योर हैंड्स टुगेदर फॉर 20 to 30 seconds. यानी 20 से 30 seconds के लिए अपने हाथों को रब कीजिए, रगड़िए. ठीक है, साबुन लगाइए. क्लीन इन बिटवीन द फिंगर्स, उंगलियों के बीच में साबुन लगाइए. अंडर द नेल्स यानी नाखूनों के नीचे. एंड अप टू द रिस्ट, और रिस्ट तक जो है आपको, यानी बाजू तक आपको जो है अच्छे से रब करना चाहिए, सॉप अप्लाई करनी चाहिए. वॉश अवे द सॉप कम्प्लीटली विथ क्लीन वाटर. और बाद में क्या करना चाहिए, क्लीन वाटर यानी साफ पानी से सॉप को यानी साबुन को हटा देना चाहिए, यानी हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आवर चैप्टर. यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. वेल इनफ फॉर टूडे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.